ये देखो भाई क्या बात है भाई, और जो है इसकी गार्निशिंग कर दी है भैया ने, और ये एक खोया पनीर आ गया। देखो भाई क्या बढ़िया बाइट लग रही है देखने में। कमल शुद्ध वैष्णो भोजनालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो अंकल जी सब्जी दिखाइए, कौन कौन सी सब्जी आ जाती है आपके पास? ये मिक्स सब्जी है, चला के दिखाइए अंकल जी। ये देखो भाई ये इनकी मिक्स सब्जी आ जाती है, क्या बात है अंकल जी, क्या बढ़िया सब्जी लग रही है। और इसमें अंकल आप क्या क्या डालते हैं सब्जी के अंदर? इसमें गोभी है, ग्रास बीन है, अच्छा शिमला मिर्च है, गाजर है, क्या बात है। और ये ऊपर आपने पनीर डाला हुआ है, पनीर कसावा है। ठीक है ठीक है। और अंकल जी ये कौन सी सब्जी आ जाती है? ये अरहर की दाल है, एक उड़द की दाल है जी, और ये उड़द की है, और ये अरहर की है, ये अरहर की दाल है, ये क्या बात। चला के दिखाओ अंकल जी एक बार अच्छे से। ये देखो भाई ये अरहर की दाल है, क्या बढ़िया लग रही है अंकल, ऊपर से उठा के दिखाइए एक बार। ये देखो भाई बहुत बढ़िया लग रही है, क्या बात है भाई। और ये भिंडी वगैरह है, ये भिंडी आ जाती है, यानी कि मिक्स वेज आ जाती है आपकी? नहीं ये भिंडी अलग है। अच्छा खाली भिंडी, हाँ। एक बार चला के दिखाइए अंकल जी अच्छे से। ये देखो भाई ये खाली भिंडी आ जाती है इनकी, मुँह में पानी आ गया अंकल जी, बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में, क्या बात है भाई, बहुत ज्यादा पॉपुलर है भाई मुजफ्फरनगर के अंदर। ये आलू टमाटर है, आलू टमाटर भाई, आलू टमाटर की रंगत देखो भाई, क्या बात है भाई, मुंह में पानी आ रहा है, और कलर देखो क्या बेहतरीन लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है अंकल, ये बैंगन भरता है, ये भैया बैंगन भरता, ये देखो जी, ये देखो क्या बढ़िया, देखो गाढ़ा गाढ़ा भरता, क्या क्या अंकल जी डालते हैं आप इसमें? काफी गाढ़ा लग रहा है, भरता है बस बैंगन का। अच्छा बैंगन का भरता, स्पेशल तरीके से आप बनाते हैं, क्या बात है भाई। ये देखो भाई इनका रायता आ जाता है, बूंदी का रायता है, बूंदी का रायता, क्या बात है, बढ़िया से चला के दिखाओ अंकल जी, क्या बात है भाई। ये देखो काफी गाढ़ा लग रहा है अंकल, रायता गाढ़े होता है जी। क्या क्या अंकल डालते हैं आप इसके अंदर? इसमें अमूल की दही होती है। अच्छा दही डालती है अमूल की? अमूल की प्योर, और हाँ बिल्कुल अमूल लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये गुंदी होती है बेसन की, बेसन की गुंदी होती है, क्या बात है जी। और ये भाई देखो ये छोले, ये छोले आ गए, हाँ ये देखो चला के दिखाओ अंकल जी बढ़िया से। ये देखो भाई क्या गाढ़े गाढ़े छोले है, हाँ। कौन से वाले छोले आते हैं अंकल? ये काबुली चना होता है, काबुली चना, हाँ डॉलर का, डॉलर का काबुली, हाँ। चना। और ये कढ़ी है, ये देखो भाई कढ़ी, क्या हाँ। बात है भाई, कढ़ी अंकल काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है आपकी देखने में। ये देखो पकौड़े देखो भाई, दिखाओ अंकल थोड़ा ऊपर से उठा के दिखाइए। ये देखो भाई क्या बेहतरीन लग रहे हैं भाई, मुँह में पानी आ गया अंकल जी, क्या बात है जी। और ये राजमा है, ओहो हो राजमा, देखो भाई राजमा की रंगत, क्या बात है, क्या बेहतरीन जो है ये राजमा है, राजमा लग रहे हैं, क्या बात है अंकल जी। कौन से वाले राजमा होते हैं? ये चित्रा, चित्रा राजमा होते हैं, क्या बात है भाई, क्या सब राजमा है, सब राजमा है। और ये अंकल जी आपका यहाँ पे ये अमूल का मक्खन है, रोटी लगाने के लिए, रोटी पे लगाने के लिए, क्या बात है अंकल जी, एक बार चला के दिखाइए। ये देखो भाई अमूल का प्योर मक्खन जो है, ये अमूल का मक्खन है। ये देखो भाई सामने जो है रोटी लगती हुई, और ये और रोटी है तवे की, तवे की रोटी, हाँ। ये देखो भाई क्या बेहतरीन तवे की रोटी है, खाने में भाई आपको पूरा मजा आ जाने वाला है, क्या बात ये है। ये राइस है, राइस देखो भाई क्या बात है, ये कौन से वाले राइस होते हैं अंकल? ये सेला होते हैं, सेला राइस, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है अंकल जी। और क्या जाता है ये इसमें जो है जी? ग्रेवी है पनीर की, एक बार चला के दिखा दीजिए अंकल जी ग्रेवी को। ये देखो भाई क्या बात है, क्या बेहतरीन जो है ग्रेवी लग रही है भाई, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। और ये दाल मखनी इधर है, ये देखो भाई दाल मखनी, देखो ये चला के दिखाओ भैया बढ़िया से एक बार दबा के, ये दाल मखनी, ये देखो भाई क्या बात है, थोड़ा घुमा के दिखाइए भैया। ये देखो भाई, ये देखो भाई ये दाल मखनी है, क्या बढ़िया जो है दाल मखनी लग रही है, ठीक है। ये पनीर के क्यूब्स वगैरह आ जाते हैं आपके, हाँ। भाई ये देखो ये पनीर जो है यहाँ पे रखा हुआ है अंकल जी का। तो अंकल जी काफी बढ़िया जो है लग रहा है आपका खाना, काफी टाइम से आप बना रहे हैं तो काफी एक्सपीरियंस शेफ भी होंगे आपके पास। ये देख लो भाई स्पेशल थाली 130 रुपए और सादी थाली जो है ये 70 रुपए की। यहाँ पे सामने जो है यहाँ पे जो है रोटी बन रही है, ये देखो भाई आप रोटी बनते हुए आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई क्या बात है भाई, क्या बढ़िया तरीके से जो है भैया रोटी बना रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो कितने समय से काम कर रहे हैं आप उस्ताद जी? 3 साल हो गए। तो ये देखो भाई यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से रोटी बेल रही है भाई, ये देखो क्या बात है भाई, रोटी बेल रहे हैं भैया। तो तवे की रोटी बनाते भैया आप? क्या बात, कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं ऐसे ही? ये देखो भाई कंटिन्यूसली जो है इस तरीके से बनती रहती है। और ये देखो भाई पूरी फूल रही है भाई रोटी, और ये सामने आ जाती है यहाँ पे, क्या बात है भाई। एक बार एक रोटी और देखते हैं,
ये देखो भाई क्या बढ़िया तरीके से बेल रहे हैं। और आगे देखें यहाँ पे, ये भाई साहब क्या बात है, ये देखो जी भाई पूरा जो है फायर लग रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। और ये आ गई ऊपर वहाँ पे कमल शुद्ध वैष्णव भोजनालय, और ये मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है भाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। ये देखो भाई स्पेशल थाली जो है 130 रुपए की जो है स्पेशल थालियाँ हैं यहाँ पे। और भाई ये रेट लिस्ट देख लो एक बार, ऊपर से लेके नीचे तक जो है आप पूरी की पूरी इनकी रेट लिस्ट चेक कर सकते हो। ये बताते रहे ना क्या क्या बना रहे हो भैया, क्या डाल रहे हो? ये प्याज टमाटर की तरी, प्याज टमाटर की तरी आ गई भाई। ये देखो ये हरी मिर्च और अदरक आ गई। ये देखो भाई बना रहे हैं भैया सही से, क्या बात है भाई। और जी ये ले लिया भैया ने राजमा, भाई ये देखो राजमा ले लिया भैया ने, क्या बात है भैया। कितना प्लेट बन रहा है ये? हाफ प्लेट बन रहा है। हाफ प्लेट बन रहा है, तो भाई ये देखो हाफ प्लेट बन रहा है, ये बढ़िया तरीके से अभी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये पैकिंग जा रहा है आपका, तो भाई ये देखो पैकिंग जा रहा है हाफ प्लेट, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। ये काफ़ी गहरा है भैया आपका ये बनाने वाला, क्या बात है। और यहाँ पे आपने हरी मिर्च और अदरक रखा हुआ है कटा हुआ, ये देखो भाई। और यहाँ पे मसाले वगैरह सब जो हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखो भाई क्या बात है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है भाई देखने में, बहुत बढ़िया। और जो जो है इसकी गार्निशिंग कर दी है भैया ने, हरा धनिया लगा दिया है आपने। और ये भैया ये कितने रुपए का हो गया? 50 रुपए का। तो भाई मात्र 50 रुपए के अंदर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो भैया अब हाफ धुली दाल का जो है ऑर्डर आ गया है, और ये देखो भाई हाफ धुली दाल जो है बनने जा रही है। ये आ गया भैया प्याज टमाटर की तरी, हर एक में डालोगे आप प्याज टमाटर? ये देखो भाई, और ये आ गया आपका हरी मिर्च आ गई, क्या बात है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है देखने में। और अब भैया डालेंगे इसके अंदर दाल, ये देखो भाई ये आ गई उड़द की दाल आ गई भैया। ये कितना पैकिंग जा रहा है भैया? हाफ प्लेट। सो ये देखो भाई हाफ प्लेट जो है ये पैकिंग जाता हुआ, ये देखो भाई क्या बढ़िया तरीके से भैया बना रहे हैं, ये देखो भाई बढ़िया तरीके से भाई लग रहा है एकदम, पूरा पैकिंग वैकिंग होके जाता है यहाँ पर। ये देखो भाई अलग ही लेवल का भाई है यहाँ पे। और ये देखो भाई क्या बेहतरीन भाई देखो लग रहा है यहाँ पे देखने में, अलग ही लग रहा है भाई। और भाई ये देखो धनिया आ गया है यहाँ से, क्या बात है भाई। और जी ये पैक हो गया, ये क्या प्राइस पड़ता है भैया? ये 50 की। ये भी 50 रुपए का भाई प्राइस पड़ता है। अब क्या बनने जा रहे हैं भैया? दाल मखनी। तो भाई ये आ गई, और यहाँ देखो भाई ये रही दाल मखनी, चला के दिखाइए भैया एक बार जरा। यही बनेगी। जी, अच्छा यहीं पे बनेगी, बनेगी। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो भाई दाल मखनी जो है वो आ गई। ये भैया आपने पनीर डाल दिया? सो भाई साहब पनीर डाल दिया, क्या बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखो भाई, ओ भाई साहब पूरा भैया घोटा लगा रहे हो घुटेगी बढ़िया तरीके से। टेस्ट आएगा इसका? हाँ, क्या बात है भाई, बढ़िया तरीके से भाई घुट रही है। और ये देखो भाई भैया ये क्या प्राइस पड़ता है? 80 रुपए का हाफ प्लेट भाई जो है ये पड़ेगा। और ये देखो भाई बटर जो है अमूल का मक्खन आ गया, और ये देखो हाफ प्लेट का इनका ये आ गया पैकिंग। ये देखो भाई क्या बेहतरीन जो है ये लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ये अमूल का मक्खन आ गया, 80 रुपए का ये आपको पड़ने वाला है। ये ऊपर से क्या डाला भैया आपने? अमूल की क्रीम आ गई भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। और हल्की सी तरी आ गई भाई, ये देखो ओहो क्या बेहतरीन जो है लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये पैक हो गया, क्या बात है। अभी आपको कढ़ाई पनीर दिखाते हैं, बढ़िया वाला कढ़ाई पनीर कैसे बनता है यहाँ पे। ये भैया ऑयल आ गया, ऑयल अब धीरे धीरे गर्म होने जा रहा है। ये ऑनियन आ गया भैया, ऑनियन आ गया। और क्या डाला सर आपने? शिमला मिर्च, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो भाई ये भाई ग्रेवी यहाँ से भैया ने ली, और ये ग्रेवी आ गई भाई, ये देखो क्या बढ़िया जो है ग्रेवी लग रही है। कितना पैक हो रहा है भैया ये?
दो हाफ प्लेट ये पैक हो रही है, यानी कि एक फुल पैक हो रहा है। अच्छा, एक खाने का है और एक पैकिंग का है। भैया इसका प्राइस कितना पड़ता है? 80 रुपीज का। बताए कितने क्यूब्स डाले हैं भैया इसमें? 8 क्यूब्स। तो ये देखो भाई, 8 क्यूब जो है इसके अंदर डल गए। ये देखो भाई, ये देखो भाई, क्या बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। क्यूब्स भी काफी मोटे मोटे डाले हुए हैं भैया आपने, बढ़िया तरीके से भैया बनाते हैं। और ये इसके अंदर डाल दिया भैया आपने प्याज टमाटर की तरी। ये आपके हर खाने में जाती है, इसका ही टेस्ट है। क्या बात है भाई। उस्ताद जी आप कितने टाइम से आ रहे हैं? 16-17 साल। तो 16-17 साल जो है वो उस्ताद जी को हो गए हैं यहाँ पे। क्या बात है भाई। ये देखो, ये कौन कौन सा आ जाता है? ये हाफ आ गया इधर, ये खाने का है, ये पैकिंग का जाता है। ये खाने का, ये पैकिंग का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 16-17 साल से सेवा में है सर आप? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया जी। ये देखो भाई, पूरा मतलब आप अच्छे से पकाते हैं उसको, अच्छे से सारा करते हैं, जरा सा भी कच्चा नहीं है, कुछ नहीं, एकदम टेस्ट भरपूर आता है। ये देखो भाई, हर तरीके से जो है आपको भरपूर टेस्ट मिलने वाला है इसके अंदर। क्या बात है भाई, जरा सा भी मतलब वो नहीं है कि आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम से आओ बैठो आराम से। ये देखो भाई, क्या बात है भाई। ये देखो इसमें कितने क्यूब जाते हैं हाफ में? 4 पीस जाते हैं। ये देखो भाई, क्या क्या बात है भाई। ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ओहो हो, क्या बात है भाई। ये देखो भाई, रंगत देखो भाई, क्या बढ़िया लग रही है रंगत देखने में। ये देखो भाई, क्या बेहतरीन लग रहे हैं। ठीक है, अब भाई इसकी गार्निशिंग हो जाएगी बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई, क्या बात है। और इसका पैक हो गया, ये आपको 90 रुपये का, 80 रुपये का पड़ेगा। और ये खाने वाला कितने का पड़ेगा? खाने वाला भी 80 का पड़ेगा जी। 130 वाली भाई स्पेशल थाली जो है, ये देखो ये लगने जा रही है। चलो उस्ताद जी जरा चलो, कहाँ पे क्या क्या लगने वाला है देखो भाई। ये इसमें आ गया आपका खोया आ गया आपका। ये 130 वाली स्पेशल थाली जो है ये बनने जा रही है। और इसमें कितने क्यूब्स आते हैं? 4 पीस आते हैं। तो भाई ये देखो, 4 पीस जो है इसके अंदर आते हैं। क्या बात है भाई। उस्ताद जी भी हमारे खतरनाक हैं। आपको गर्मी नहीं लगती? गर्मी तो लगेगी भाई, ये देखो फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है जी, क्या बात है भाई। ये देखो भाई, ये देखो भाई, एक पॉइंट में यहाँ पे आ गया ये आपका, वही आ गया, बहुत बढ़िया। और भाई ये देखो, दाल मखनी इसके अंदर आ गई, बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। और जी ये देखो भाई, क्यूब आ गए। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जी अब घोटा चालू। उस्ताद जी का घोटा चालू हो गया। ये देखो भाई, उस्ताद जी का घोटा चालू हो गया इसके अंदर, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई, ये आ गया अब इधर। ये देखो भाई, क्या बढ़िया जो है ये देखने में जो है अब तक लग रहा है। ये देखो भाई, ऊपर से क्रीम आ गई। क्या बात है भाई, क्या बात है। रोगन आ गया, क्या बात है भाई। भाई चावल आ गए यहाँ से। ये देखो भाई, मिलने वाले हैं ये 130 रुपये के अंदर जो है आपको यहाँ पे चावल भी मिलने वाले हैं और पूरी की पूरी। तो भाई अब इसके अंदर जो है वो रायता लगता हुआ। भाऊ जी एक बार रायता चला दीजिए ज़रा बढ़िया से। ये देखो भाई, क्या बात है भाई, 130 रुपये की थाली के अंदर आपको जो है वो रायता मिलने वाला है। और ये देखो भाई, ये क्या डाला भाऊ जी आपने? मिर्च। और ये धनिया आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। कितनी रोटी आती है इसके अंदर? 4। ये देखो रोटी लग रही हैं, बाबू जी लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भैया, अमूल बटर में डूबी हुई लगती हैं। क्या बात है भाई। ये देखो भाई, ये यहाँ पे लगी है भाई, 130 रुपये की जो है आपको प्लेट मिलने वाली है। ये हमारे बाबू जी हैं, यही लगा रहे हैं। फ्रेश फ्रेश सलाद जो है यहाँ पे कट रही है। काटो भैया ज़रा फ्रेश फ्रेश सलाद। ये देखो भाई, एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेश सलाद जो है यहाँ पे काटी जा रही है। हाथों हाथ आपको कटिंग करके दिया जाएगा ताकि जो है वो बासी ना हो और अच्छा आपको एकदम फ्रेश
फ्रेश फील हो। सो भाई ये देखो, ये सामने आ गई है इनकी दाल मखनी। क्या बात है भाई, देखो भाई सामने, जिसमें आपको चार रोटी मिलती हैं और आपको जो है यहाँ पे दाल मखनी मिलेगी, खोया पनीर आपको मिलेगा और रायता आपको मिलेगा। सो और आपको चावल मिलेंगे। ये देखो भाई क्या बेहतरीन जो है दाल मखनी जो है यहाँ पे आ रही है, क्या बढ़िया। ये देखो भाई पनीर का क्या भाई, भाई ये देखो भाई क्या बढ़िया जो है यहाँ पे लग रहा है भाई देखने में। क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो भाई इनका एकदम घाड़ा घाड़ा रायता और ये रोटियाँ जाती हैं सामने, तवे की रोटियाँ भाई बटर के साथ। ये जो है यहाँ पे आपको चावल मिल जाते हैं। एक बाइट बनाते हैं बढ़िया सी और टेस्ट करके बताते हैं। और ये आ गई हमारी दाल मखनी, क्या बात है भाई बढ़िया से। देखो हमने एक बाइट बना ली, क्या बढ़िया लग रहा है भाई देखने में। सामने टेस्ट करते हैं। भाई वाह, दाल मखनी जो है ना इनकी एक नंबर की है भाई, बहुत ज़बरदस्त है। लिटरली जो फ्लेवर आ रहे हैं ना इसके अंदर वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इसको पकाया हुआ है, वो बहुत बढ़िया पकाया हुआ है। बाकी ये जो है क्रीमी है काफ़ी। क्या बात है। ये देखो भाई अब इसकी एक बाइट लेते हैं हम ज़रा। और ये एक खोया पनीर आ गया बढ़िया से भाई, सिंगल हैंडेड पर्सन है। ये देखो भाई क्या बढ़िया बाइट लग रही है देखने में और एकदम जो है खतरनाक लग रही है। क्या बात है भाई। ये देखो भाई सैलेड है सामने, थोड़ा सा इस पे नींबू छिड़कते हैं। नमक वगैरह सब जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हरी मिर्च वगैरह भी सब आपको यहाँ पे मिलेगी, जो आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक सैलेड देते हैं सामने। यहाँ पे राइस आ जाते हैं दाल मखनी के साथ जो है, राइस की बाइट लेते हैं एक। ये देखो क्या बात है भाई। वाह बहुत बढ़िया, रायता थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। नमक वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मसाला वगैरह जो भी आपको चाहिए वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप अच्छे से आप ऐड करके और आप टेस्ट कर सकते हैं। एक बाइट जो है वो हम राइस के साथ लेते हैं। क्या बेहतरीन बाइट लग रही है सामने देखने में और राइस की क्वालिटी तो भाई इनकी एकदम लाजवाब है। और ये टेस्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे आना ही होगा भाई। वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। भाऊ जी नमस्कार, आपका कितने समय से ये होटल है? यह करीब 32-33 साल से। यहाँ पे आप क्या क्या सर्व करते हैं, क्या आइटम लगाते हैं आप? दाल है, छोले हैं, राजमा है, मिक्स सब्जी है, भरता है और कढ़ी है और मटर पनीर, कढ़ाई पनीर। अच्छा। शाही पनीर। थाली आप देते हैं? थाली भी देते हैं। अच्छा थाली में क्या क्या देते हैं आप, कौन कौन सी थाली होती है आपके पास? एक 70 रुपये की है। अच्छा 70 रुपये में कौन सी है? एक दाल है, एक सब्जी है, एक रायता, 4 रोटी है। और कौन सी थाली है? 130 रुपये की है। 130 रुपये की थाली है। उसमें क्या क्या है? उसमें एक मखनी दाल, एक सोया पनीर, एक राइस और रायता, 4 रोटी मक्खन में। कितने लोग खा सकते हैं 70 वाली उसमें? एक आदमी खा सकता है। बाबूजी लोकेशन कौन सी आ जाती है? होली एंजल स्कूल के सामने, बिल्कुल मेन सामने, बिल्कुल मेन सामने। और आपकी टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 9 बजे से। अच्छा और 5 बजे तक है? 5 बजे तक। 5 बजे से फिर 11 बजे तक। फिर 5 बजे से 11 बजे तक, सुबह 9 से 5, फिर 5 से 11।